अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किससे मैच हो रहा है, ऑक्सीजन वर्ड से। अब आप लोगों ने यहीं से याद रखना है कि इस तरह के रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होती है, गेन होती है। ऑक्सीजन को इस तरह के रिएक्शंस में हम हासिल करते हैं। अब हमने जो कंबस्टन रिएक्शन ऊपर पढ़ा था, इसमें क्या है, ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और हमने क्या पा ली, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के हमने एटम्स पा लिए थे यहाँ पे। इसका मतलब कि ये हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही एक किस्म का किया था। अब आप लोग आगे देखें कि इस सारे रिएक्शन में हमारे साथ क्या होने वाला है। अब ये देखें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ द रिएक्शन वी रीड अबाउट द अर्लियर इन दिस चैप्टर, वेयर मैग्नीशियम बर्न्स, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, Mg मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, रिएक्ट किसके साथ ये करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोगों ने यहाँ पे फिलहाल 2 नहीं देखना, आप ये देखें Mg ने रिएक्ट किया था O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना है, MgO। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि O हमारे पास कितने थे, यहाँ पे 2 थे, लेकिन यहाँ पे O हमारे पास कितना गेन हुआ, 1 हुआ, तो हमने यहाँ पे 2 लाने हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब हम 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये देखें कि मैग्नीशियम के साथ भी 2 लग गए। अब हमने क्या किया कि मैग्नीशियम के साथ भी 2 लगा के मैग्नीशियम के एटम को भी बैलेंस कर दिया है। ये बैलेंसिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे हम नीचे नहीं कुछ भी लिख सकते, हमने जो भी बैलेंस करने के लिए वर्ड लगाना है, डिजिट लगाना है, वो हम एक साइड पे ही लगा सकते हैं। अब आप देखिए मैग्नीशियम का कुछ वेट सपोज कर लेते हैं 10 kg था मैग्नीशियम का वेट, तो हमारे पास ऑक्सीजन का वेट कितना था, 2 kg। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपको नहीं लगता कि ये कुल मिला के कितना वेट हो जाएगा, 12 kg। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ पहले रिएक्शन में कम थी, उसे जब हम एंड पे लास्ट पे वेट करेंगे, तो वो वेट जो आएगा हमारे पास वो कितना होगा, पहले से ज़्यादा। यानी कि पहले जिस मैग्नीशियम के साथ हमने स्टार्ट किया था रिएक्ट करना, अब इसका वेट क्या होगा, जो रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ वो रिएक्टेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये था। अब इसके बाद है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से ही पता चल रहा है कि टूट जाना। थर्मल मीन टेम्परेचर, यानी हीट देना, हीट जिस चीज़ को हमने दी वो टूट गई उस रिएक्शन में। अब यहाँ पे ये बात है कि टूट जाना चीज़ का जिसे हमने क्या दी है, हीट दी है, ठीक है। अब आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप लोगों ने याद रखना है कि इसे हम चाक भी कह सकते हैं। जब इसे हम हीट देंगे तो ये किस में डिवाइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बात आपने याद रखनी है। CaCaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे गेन कर ली है। ये सारा रिएक्शन था, ये भी एक हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन था। ऑक्सीडेशन में क्या था कि ऑक्सीजन क्या थी, इसने Mg ने हासिल कर लिया, तो ये क्या है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।